क्रियॉन्स वर्ल्ड स्कूल बैजनाथ द्वारा रविवार को विंटर कार्निवल दो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम भारतीय सेना में हुए शहीदों के लिए समर्पित किया गया था। इस कार्निवल का शुभारंभ अलहिलाल आर्मी कैंट के सैनिकों द्वारा किया गया। बेहद अनूठे ढंग से मनाए गए कार्निवल में बच्चों द्वारा साइंस, आर्ट एवं क्राफ्ट म्यूजियम, फूड जोन व सेल्फी कॉर्नर बनाकर लोगों का मन मोह लिया। बच्चों द्वारा तैयार किए गए साइंस मॉडल, हस्तशिल्प, सेल्फी कॉर्नर में पारंपरिक परिधानों में लोगों ने खूब सेल्फी खींची। वहीं सैन्य हथियारों की विशेष प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें बच्चों को देश सेवा की भावना जागृत हो सके, जिससे बच्चों में देश सेवा की भावना जागृत हो सके। स्कूल के चार सदनों देवदार, चिनार, चंदन द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल लगाकर लोगों को विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखाया। इस शो के माध्यम से बच्चों ने जहां अपनी आत्मनिर्भरता को दर्शाया, वहीं कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम का आनंद लेने आए अभिभावकों व गणमान्य लोगों का मन मोह लिया। स्कूल के निदेशक ऋषभ अवस्थी ने बताया कि बच्चों द्वारा करवाए गए इस प्रकार के आयोजन से जहां उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा व उनका उद्देश्य रहेगा कि हर बार वे किसी न किसी अलग प्रकार का कार्यक्रम प्रस्तुत करवाए तथा बच्चों का सीधा संवाद हो। इस दौरान छोटे बच्चों ने इस कार्निवल में लगे विभिन्न प्रकार के झूले का आनंद लिया। इस कार्निवल को सफल बनाने के लिए स्कूल स्टाफ ने विशेष तौर पर सहयोग किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य किरण शर्मा ने बच्चों व अभिभावकों को बधाई भी दी। आज 1 दिसंबर 2019 को क्रियॉन्स वर्ल्ड स्कूल बैजनाथ ने विंटर कार्निवल सेकेंड का आयोजन किया। इसमें हमने साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजियम, गेमिंग जोन, फूड जोन, सेल्फी कॉर्नर, ये सभी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड की। हमारा मेन उद्देश्य इस फंक्शन के पीछे ये है कि हम हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का, हम लोग उनको एक्सपोजर देना चाहते हैं। हर स्टूडेंट का, हर पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, ताकि बच्चों को एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारा इसमें जो थीम था वो हमारे जो डिफेंस पर्सनल हैं उनके ऊपर बेस्ड था। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।